वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आपको बेस नर्सिंग की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही विज्ञान यानी कि फिजिक्स के ये क्वेश्चन है। आपके कमेंट आए थे सर फिजिक्स के भी बताइए, ठीक है। बायो को तो हम बहुत सारे कर चुके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रकाओं को बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, मोमेंटम, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा दो किसी एक पे, लगा दिया, चेक ना हो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ऑप्शन डी यानी कि एनर्जी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक एनर्जी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक ऊर्जा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बनता है इस चैप्टर से, अर्धचालक वाले चैप्टर से। जेनर डायोड का उपयोग किया जा सकता है किसमें, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज नियंत्रण के रूप में, या फिर दृष्ट धारा वोल्टेज नियंत्रण के रूप में, या फिर अर्धतरंग दृष्टकारी के रूप में। जेनर डायोड कैन बी यूज एज फुल वेव रेक्टिफायर, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा दिया टिक, चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, दृष्ट धारा नियंत्रक में। चलते आगे की ओर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज। और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, देखना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। हो गया, दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री का हो तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लान मिरर इज एट 60 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म विल बी 5, 6, 7 या फिर इन्फेनाइट। दो समतल दर्पण है गाइज, कुछ इस प्रकार गए आप मान सकते हो, और दोनों का बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कितनी दिखाई देंगे उसके इमेजेस। लगा दे वो टिक भी आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 6। इसके लिए फॉर्मूला होता है गाइज निकालने के लिए कि कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, जो कि आपको पता होगा आपके 9th बुक में भी दिया हुआ है। चलते आगे को, अगर नहीं है पता तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला कि कैसे निकालते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 236, यूरेनियम 238 या फिर यूरेनियम 239। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है, टिक लगा दो, इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो लगा दिया, तो आंसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला है आपका सही है, यानी कि यूरेनियम 235। तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा, पहला वाला है सही है। चलते आगे की ओर, अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है गाइज, और बहुत ईजी भी है, कि एक आदर्श वोल्ट मापी का प्रतिरोध होता है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर, वेरी लो, वेरी हाई, इन्फानाइट या फिर जीरो। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, चेक नाउ, इन्फानाइट होता है गाइज, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फानाइट होता है। वोल्ट मीटर की बात हो रही है या एमीटर की बात नहीं हो रही है, वोल्ट मीटर का तो अनंत ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ के धारा नियम में संरक्षित राशि है। इन किरचॉफ करंट लॉ द कंजर्व क्वांटिटी एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, मास।
किरचॉफ का नियम आपने सबने पढ़ रखा है ट्वेल्थ में। इसमें क्या धारा के नियम है, संरक्षित राशि कौन सी है, तो टिक लगा दो, किसे एक भी लगा दिया, चेक रहा हूँ। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आवेश, इसमें आवेश संरक्षित रहता है किरचॉफ के नियम में। ठीक है, चल और नियम तो सारे याद कर लेना, फिजिक्स में बहुत ही विज्ञान में नियम तो सारे याद कर लेना, फॉर्मूले भी सारे याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से देख लेना नियम, क्योंकि वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि नियम पता है कि नहीं बंदे को, ठीक है, और उसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूले से रिलेटेड आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गमन करते हुए किसे आवेशित कण का पथ है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा से गमन करते हुए किसे आवेशित कण का पथ क्या होगा, क्या दीर्घवृत्ताकार होगा, एलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, या फिर पैराबोलिक परवलयाकार होगा, या फिर लाइनर यानी कि रेखीय होगा, ये भी आपके ट्वेल्थ से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी यानी कि सर्कुलर वर्ताकार। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी अगर आवेशित कण लंबवत एंट्री मारता है तो उसका जो पथ होता है वह सर्कुलर ही होता है। चलता है एक और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण है, यानी कि द एंगल ऑफ डिप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल, 45, 30, 0, 90। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण का मान आपको बताना है जी, लगा दिया टिक, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 19 होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण का मान कितना होता है, 19 डिग्री। चलते आगे की ओर, अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो भी नियम से संबंधित है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के जितने भी नियम है ना, एक कॉपी में लिख सकते हो, एक पेज में लिख सकते हो, क्योंकि 4-5 पेज में ऑलमोस्ट आ जाएंगे सारे नियम, तो बस एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले पढ़ जाओ, तो ऐसे तो फिर आप टॉप करते हो, ठीक है ना। लेंज का नियम प्रतिपल है संरक्षित के नियम, यानी कि लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेंज का नियम प्रतिपलन है संरक्षण के नियम का, आवेश के, समय के, द्रव्यमान के, ऊर्जा के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। लगा दो टिक, लगा दिया, चेक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऊर्जा का। लेंज का नियम किसका, प्रतिबल संरक्षण का नियम है ऊर्जा का। ठीक है, चलते आगे को, अगला क्वेश्चन है कि दोलन करने वाले एलसी पर्वत की आवृत्ति है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, 1/2π√LC या फिर 1/√LC या फिर 1/LC या फिर LC, बता दो गाइज राइट ऑप्शन। दोलन करने वाले LC प्रपत की आवृत्ति, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन LC, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला वाला ही सही है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो इसके नीचे दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन यही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 1/2π√LC। ठीक है, याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। चलते आगे एक और, अगला क्वेश्चन है आपका, विस्थापन धारा को परिभाषित किया, डिस्प्लेसमेंट करंट वाज डिफाइंड बाय, एम्पियर ने, फेराडे ने, मैक्सवेल ने, या फिर गॉस ने। विस्थापन धारा को परिभाषित किया किसने किया, चार ऑप्शन में से एक पे टिक लगा दिया, चेक नाउ, ऑप्शन सी यानी कि मैक्सवेल ने, विस्थापन धारा को मैक्सवेल ने परिभाषित किया। ठीक है, चलते आगे की ओर, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, जितने भी वीडियो देख रहे सबको आना चाहिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शौच नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, द लेस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर, या फिर 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों वाला क्वेश्चन, क्योंकि बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो आप भी गया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलते आगे, और
अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 4 प्लस डायोप्टर, इट फोकल लेंथ विल बी। सो गाइज आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा 3 वाला ऑप्शन सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक उत्तल लेंस की जो क्षमता 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलते आगे को, अगला जो क्वेश्चन है, द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का सबसे अच्छा एकवर्णीय स्रोत आपको बताना है। मोनोक्रोमेटिक एकवर्णीय, जिसमें एक ही वर्ण होना चाहिए, कैंडल, बल्ब, मर्क्यूरी ट्यूब या फिर लेजर। देखिए गाइस, आपको पता है सूर्य जो होता है ना, उसमें एक वर्ण नहीं होता, उसमें काफ़ी रंगों का मिश्रण होता है, जिसको आप प्रिज्म के द्वारा पृथक करके देख सकते हो। ठीक है, सेम उसी प्रकार मोमबत्ती में भी होता है, बल्ब में भी होता है, मर्क्यूरी ट्यूब में भी होता है, बट एक चीज़ है जिसमें एक वर्णीय प्रकाश होता है, तो सिंपल सी बात है, सबको आ गया होगा, लेज़र। लेज़र में एक वर्णीय प्रकाश होता है और एक वर्णीय प्रकाश का सबसे अच्छा सोर्स लेज़र ही है, तो ऑप्शन डी लेज़र। ठीक है, याद रह जाएगा, लेज़र बेस्ट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक वर्णीय स्रोत। चलते आगे एक और, अगला क्वेश्चन है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र आपको बताना है। द फॉर्मूला ऑफ फॉर द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, एच वी अपॉन सी या फिर एच अपॉन सी लेमडा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, एच अपॉन सी लेमडा। ठीक है, चलते आगे की ओर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके फिजिक्स में, बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में। चलते आगे की ओर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर करती है, डिपेंड नहीं करती है, मास पे, चार्ज पे, वेलोसिटी पे या फिर मोमेंटम पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, यानी कि आवेश पर, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलते आगे और, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है और काफ़ी बार आ चुका है और आपसे पूछा भी गया है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने बताया कि द सोर्स ऑप्शन रेडिएंट एनर्जी, यानी कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर, आपको पता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रवाह या फिर साइक्लो इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के थ्रू हमको प्रकाश मिल पा रहा है। ठीक है, चलते आगे एक और, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर, 0.13 इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर इन्फाइनाइट। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 0। चलते आगे एक और गाइज, अगला जो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं 100%। ठीक है, तो ये चैप्टर देख लेना, अर्धचालक वाला, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज कॉज ड्यू टू, पी टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है, पी टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या है गाइज, पी टाइप में और एन टाइप दोनों याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पर पूछा गया पी टाइप, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या फिर क्वार्टर होल्स। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टर्स के कारण, यानी कि तभी इसको पी टाइप हम बोलते हैं, पी टाइप। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वार्टर्स के कारण होता है, और इसी प्रकार आपको एन टाइप में याद रखना है कि एन टाइप में किसके कारण होता है। ठीक है, चलते आगे एक और गाइज, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट से तो क्वेश्चन बनता है आपके 100% लिख लो आप, क्वेश्चन बनता है सेमीकंडक्टर और गेट से। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन चैप्टर को आपने जो 12th में पढ़ा था एक बार ज़रूर देख लें उनको।
फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इन एन ओर गेट इफ वन इनपुट ऑफ जीरो एंड ऑदर इज वन देन आउटपुट विल बी, यदि ओर गेट में एक निवेशी जीरो तथा दूसरा एक हो तो निर्गत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, 100% ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर गेट के बारे में पढ़ लेना और सेमीकंडक्टर के बारे में। यदि ओर गेट में एक निवेशी जीरो होगा तथा दूसरा एक होगा तो निर्गत आपको याद करना है। इनपुट है हमारा जीरो और एक है, तो आउटपुट पूछ रहा है ये ओर गेट के लिए कितना होता है गाइस। ओर गेट के लिए अगर उसमें इनपुट जीरो तथा वन हो तो उसका आउटपुट कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, उसका आउटपुट भी एक ही होगा। तो आपको सभी गेटों के बारे में इसे नॉलेज रखनी है, सभी गेटों के बारे में, ठीक है। चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के प्रसारण के लिए मॉड्यूलर है। द ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव द मॉड्यूलेशन इज आयाम मॉड्यूलम, आवृत्ति मॉड्यूलम, कला मॉड्यूलम या फिर उपयोग सभी। सो गाइस, रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए आयाम भी है, आवृत्ति भी है और कला भी है, ये तीनों है, यानी कि उपयोग सभी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या इसका सही है? ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप सभी यही बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। जिसको पता होगा तो वही बोलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन, यानी कि आयाम मॉड्यूलम, ठीक है। जिसमें ये ऑप्शन दिया हो इसका मतलब नहीं कि ये सभी होगा, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था यहाँ पे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि एक्साइटेड होकर बच्चे करके आते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला ही है, ये वाला, ठीक है। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन भी बच्चों वाला है थोड़ा सा। सौर सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। सोलर सेल का मेड अप द फॉलोइंग, सब कुछ दिया हुआ है, सिलिकन, जर्मेनियम, केलियम, ठीक है। तो बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस, राइट ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सिलिकॉन, ठीक है। सो गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके सेमीकंडक्टर से, गेट से, ठीक है, ब्रोगली समीकरण से, और आपको फिजिक्स में क्या रखना है याद, सारे नियम, लेंज के नियम हो गया, कूलम्ब का नियम हो गया, लेंज, बहुत सारे नियम है गाइस, क्या बताऊँ आपको, और फॉर्मूले। अगर ये आपने कर लिया तो फिजिक्स में आप, मेरे को पता है, सबसे बेस्ट करके आओगे आप, ठीक है। और मेन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है गाइस, बायोलॉजी में तो क्या है, आपका अच्छा जाए, क्योंकि आप बायोलॉजी में बेस्ट हो तभी तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो बट हम तैयारी सभी की करवा रहे हैं, आपको पता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की तैयारी मिलती रहे, ठीक है। जो बीएस नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है उनके लिए बेस्ट है। और पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हो केमिस्ट्री वाला वीडियो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।